हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आंचल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं राखी आउटफिट आइडियाज़। एंड ये सभी आउटफिट मैंने अपने पुराने कपड़ों को यूज़ करते हुए क्रिएट किए हैं। जो भी मेरे पास वार्डरोब में है उन्हीं को मैंने रीस्टाइल किया है और एक नया लुक क्रिएट किया है। शायद इससे भी आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से कि आप बिना किसी शॉपिंग के किस तरह से अपने पुराने कपड़ों को ही नए स्टाइल से पहन सकते हैं इस रक्षाबंधन पर। चलिए शुरू करते हैं। नो, सबसे पहले लुक के लिए मैंने पिक की है ये शॉर्ट कुर्ती। ये चंदेरी फैब्रिक में, एंड आई एम श्योर हम सभी के पास शॉर्ट कुर्ती तो ज़रूर होगी ही होगी। ये कुर्ती मैं शलवार के साथ पैर करती थी। बहुत पुरानी है ये मेरी और ये मुझे अभी भी फिट होती है, तो मैंने इसको सेम मैचिंग की स्कर्ट के साथ पैर किया। सेम कलर में रखा है मैंने स्कर्ट को भी। मेरे पास बिल्कुल सेम कलर में, बेज कलर में एक स्कर्ट है, ये भी बहुत पुरानी है, तो मैंने इसके साथ इसको पैर किया। एक दुपट्टे को ऐड कर लिया, अच्छी सी ज्वेलरी इसके साथ पहन ली, एंड एक नया लुक तैयार हो गया। तो जितनी भी आपके पास पुरानी शॉर्ट कुर्तीज़ हैं उनको तो आप बहुत ही आसानी से नए तरह से पहन सकते हैं। किसी भी स्कर्ट के साथ आप उसको पैर कर लीजिए, या फिर फ्लैड शरारा पैंट्स या फिर प्लाजो पैंट्स के साथ भी आप उनको पैर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने पिक की है ये स्कर्ट जो 15-16 साल पुरानी है, मेरी फेवरेट है। यहाँ पर मैंने इसको एज अ ड्रेस पहना है, ऊपर करके पहना है, एंड ऊपर से कवर करने के लिए मैंने इस स्ट्रक को ऐड किया है। आप इस तरह से बिल्कुल अपनी स्कर्ट को ट्राई कीजिए पहन के, और फिर कुछ ऊपर से आप लेयर अप कर सकते हैं। कोई स्ट्रक पहन सकते हैं, कोई लॉन्ग जैकेट पहन सकते हैं, शॉर्ट जैकेट पहन सकते हैं। ये जो जैकेट है ये इंडिगो कलर में है, वाइट कलर के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है, एंड फुल स्लीव्स में है, बट बहुत कंफर्टेबल है समर्स के लिए क्योंकि कॉटन में है तो बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने इसके साथ बड़े बड़े ईयरिंग्स पहने हैं, चोकर नेकलेस पहना है, एंड दैट्स इट। एक बहुत अच्छा सा आउटफिट मेरा क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अपनी स्कर्ट को। किसी को नहीं पता चलेगा कि ये एक्चुअली एक स्कर्ट है, कोई ड्रेस नहीं है। नेक्स्ट है ये कुर्ती। ये भी बहुत पुरानी है, एटलीस्ट 17-18 ईयर्स पुरानी तो होगी। एक्चुअली तब मैं 12th क्लास में थी जब मैंने ये कुर्ती ली थी, एंड आज भी ये कुर्ती नई की नई है मेरी। बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका, एंड मुझे इसका ये अंगरखा स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कुर्ती मैंने अभी तक संभाल के रखी है। एंड इसको मैंने पैक किया है धोती पैंट्स के साथ, पर ये धोती पैंट्स नहीं है, एक्चुअली मेरी एक साड़ी है जो कि वो भी पुरानी ही है, उसको मैंने एज अ धोती पैंट्स पहना है। तो आप बिल्कुल इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पर उसका ट्यूटोरियल है कि कैसे आप अपनी साड़ी को धोती पैंट्स की तरह पहन सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने कई बार इसको ट्राई किया है इस ट्रिक को, एंड मैंने अपनी डिफरेंट साड़ीज़ को एज अ धोती पैंट ड्रेप किया है अपनी कुर्तीज़ के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिए अपनी कोई पुरानी कुर्ती के साथ, आप अपनी मम्मी की साड़ी को एज अ धोती पैंट की तरह स्टाइल कीजिए, एंड बहुत अच्छा आउटफिट आप एक क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एक और मेरे पास एक कलरफुल फ्रॉक स्टाइल में कुर्ती है। ये भी मेरी काफ़ी पुरानी है, कॉटन में है, एंड समर्स के लिए अगेन मुझे बहुत पसंद है। बहुत पहनती हूँ मैं इसको जीन्स के साथ भी, धोती पैंट्स के साथ भी, बट यहाँ पर मैंने आज इसको पैक किया है अपने प्लाजोस के साथ। आप स्ट्रेट स्कर्ट, फ्लैट स्कर्ट के साथ भी इसको पैक कर सकते हैं, प्लाजोस के साथ भी पैक कर सकते हैं, शरारा पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं। तो मेरे पास ये वाइट कलर में फ्लैट प्लाजोस थे, इसके साथ बहुत अच्छे से मैच हो गए, तो मैंने इसके साथ इसको पैक किया है। अच्छी सी ज्वेलरी पहन ली है, एंड दैट्स इट। एक और फेस्टिव लुक काइंड ऑफ तैयार हो गया है। देखने में थोड़ा सा गरबा वाला लुक है, रक्षाबंधन के लिए भी बहुत अच्छा है, एकदम से फेस्टिव वाइब्स मिलती हैं, काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स हैं इसमें, तो ओवरऑल मुझे ये लुक भी बहुत अच्छा लगा। तो गाइस, ये थे कुछ रक्षाबंधन आउटफिट्स जो कि मैंने अपने पुराने आउटफिट्स को ही यूज़ करके तैयार किए हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो यू कैन जॉइन मी ऑन माय इंस्टाग्राम, एंड आई विल बी बैक सुपर सून। मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, यू नो, नए आउटफिट्स
कि कोई वीडियो चाहिए इसमें मैं नए आउटफिट्स आपको दिखाऊं, कोई शॉपिंग दिखाऊं, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।